ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादी सा ने फाइनली अरमान और अभीरा के रिश्ते को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। दादी सा ने अभीरा को अरमान की वाइफ अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसके बदले में वो बहुत सारी चीजें चाहती हैं अभीरा से, और वो बता चुकी है कि कैसे रिश्तों को निभाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना होता है। कोई एकदम से ओवरनाइट किसी को अपना नहीं बना लेता और एक्सेप्ट नहीं कर लेता, लेकिन दादी सा अब अभीरा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और अब अभीरा को ही कोशिशें करनी होगी। इसके साथ साथ अरमान और अभीरा इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उन्हें कभी भी पूरे परिवार का साथ मिलेगा, दादी का आशीर्वाद मिलेगा, और अब जब वो मिल गया है, जब हर कोई अरमान अभीरा की शादी के लिए तैयार हो गया है, तो वो इतने ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं कि वो ढंग से खुश भी नहीं हो पा रहे। इतनी मुश्किलों के बाद उन्हें ये दिन देखने का मौका मिला है कि वो डर रहे हैं कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए, और हम आपको बता दें कि गलत तो होगा ही, क्योंकि रूही अभी भी अपने ही एक अलग ट्रैक पर चल रही है जिसमें अभीरा और अरमान को वो अलग करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती नजर आएगी और कई हदों को पार करेगी। लेटेस्ट एपिसोड पर फैंस के बहुत ब्यूटीफुल रिएक्शन आए। एक यूजर ने कहा, इट वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर देम, इट फेल्ट लाइक अ ड्रीम एस्थेटिक सेटअप, देयर सिंबल ऑफ लव, दोज फ्लैशबैक्स ऑफ मेमोरीज मेकिंग देम ऑल इमोशनल, माई प्रीशियस ह्यूमंस। इसी जगह पर अभी अभीरा और अरमान तीज भी सेलिब्रेट करेंगे और एक दूसरे का व्रत भी खोलते नजर आएंगे। बहुत ही ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक सीन होने वाला है ये, जो हमें आने वाले एपिसोड में मिलेगा, जहाँ पर अभीरा और अरमान की खुशी की फाइनली वो झलक देखने को मिलेगी जिसका हमें कब से इंतजार था, और अभीरा और अरमान तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। एक यूजर ने इसी बारे में कहा, दे आर सो रिलीव, होप दे टॉक आउट देयर फियर्स एंड वर्क टूवर्ड्स देम ऑल, अभीरा हैज गॉन थ्रू वर्स थिंग्स इन पोडार हाउस, अर्निंग कावेरीज आशीर्वाद इज सिंपली लव। एक और यूजर ने कहा, देयर सोल कनेक्टेड माइंड कॉन्वर्सेशंस, नो वर्ड्स नीडेड, जस्ट अ डीप अंडरस्टैंडिंग, पीक ट्रू सोलमेट बिहेवियर। एक और ने कहा, जस्ट देम एंड देयर सिंबल ऑफ लव। वहीं एक और ने इनके एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा, रोहित एंड समृद्धि आर एक्टर्स ऑफ द टॉप ऑर्डर एंड रिश्ता विल ऑलवेज बी इंडेब्टेड टू डीकेपी फॉर कास्टिंग देम टूगेदर, दिस लिटिल सीन विद थाउजेंड्स ऑफ इमोशंस रनिंग वाइल्ड इन देयर हार्ट्स, लाइक हाउ दे have been through the storm, to look at each other is greater. एक और यूजर ने कहा, shut up them understanding each other's minds and talking without actually talking, here is peak soulmate.